दिया है कि आपको करना क्या है। मुझे तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करना है, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और जिस भावुक अंदाज में आपने स्वागत अभिनंदन किया, आपका दिल की गहराई मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहनों और भाइयों, सुजानपुर का चौहान अपना इतिहास है, महाराजा सिरसाठ के उनके साथ जुड़ा हुआ है ही, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली रहा है। फरवरी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली इसी चौहान में हुई, ऐतिहासिक रैली थी जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग प्रदेश भर से पधारे थे। उन्होंने आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, हमें इस बात का गौरव है कि हिमाचल की जनता ने उनकी अपील सुनी और चारों की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटों का 53.8% भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो मिले रिकॉर्ड था, आपको इसके लिए बहुत बधाई भी धन्यवाद भी। और मोदी जी ने भी जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पूरे सेना के अधिकारी, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, सैनिक परिवारों के लोग आए हुए हैं, सबसे ज्यादा सैनिक किसी विधानसभा क्षेत्र से है। और जब करगिल युद्ध हुआ था तो जो 52 शहीद हुए थे उनमें से 9 इसी क्षेत्र के थे। ये शहीदों की धरती है। इस बार जो चुनाव घोषणा पत्र बना था केंद्र में, उसका मैं मेंबर था। मैंने उसमें कहा था कि एक ही डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट हमारी है, वन रैंक वन पेंशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए। 1990 में पहली बार लोकसभा में उसको उठाया था, तब से लेकर लगातार प्रयास करते रहे। कई सरकारी आई, कई गई। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, प्रधानमंत्री ने पहली बार बनने के बाद जब हिमाचल आए मंडी में, तो उससे पहले वन रैंक वन पेंशन को लागू करके आए, 15,500 करोड़ का प्रावधान किया है। सारी भावना के लिए लाखों रुपए प्रत्येक फौजी के खाते में दिया है। दूसरी डिमांड हमने रखी थी कि जो केंद्र हमें देता है, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है उसको केंद्र में जब कांग्रेस आदमी को छीन लेते हैं, आपको याद होगा हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस था, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, जिसमें केंद्र से जब पैसा आता है उसमें 90% ग्रांट होती है, 10% कर्ज होता है। तो कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था, मोदी सरकार ने वो भी वापस दे दिया, 1,000 करोड़ रुपए का लाभ हिमाचल प्रदेश को दिया। तीसरा, पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष नीति बने, रेल योजना का जिक्र कर रहे थे, वो तो कई वर्षों से पेंडिंग थी। निर्मल से तलवाड़ा 1991 में 11 जनवरी को जब मैं सांसद था, उनका नाम उद्घाटन हुआ, कांग्रेस सरकार आ गई, उसने बंद कर दिया। फिर अटल जी की सरकार आई, नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, तो उन्होंने फिर इसको प्रारंभ किया। आज वो जौनपुर चौक पहुंच गई, तो हिमाचल का लास्ट स्टेशन है। लेकर रेलवे लाइन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का उसके काम प्रारंभ हो गया। और बहनों भाइयों, कहने के लिए तो हम कहते थे, फिर याद रखे थे कि हम मानते थे कि हमीरपुर भी रेलवे मानचित्र पर आएगा,
हम मोदी जी को और अपने सांसद को धन्यवाद देते हैं एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया तो वो ठगा गया
कर्मचारी डीए की किस्त के लिए 10-10 महीने इंतजार करते रहे, पेंशनर को 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, किसान बागवान दुखी है, समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है और बहनों भाइयों बाकी कठिनाई आदमी सह लेता है। और जब मान सम्मान पर ठेस लगती है तो सहना मुश्किल होता है। जो जिक्र हमारे जिला अध्यक्ष ने किया गुड़िया कांड का, उस नाबालिग बच्ची के साथ साथ रोहित प्रताप का हिमाचल की देवभूमि में न उनके घर गया था, काफी लड़ाई में जाकर 9,500 फीट गहन के गाँव है। जब बात कर रहे थे सारा परिवार बात करता रहा, अचानक लड़की की बड़ी बहन बोली, सर जब हमारे साथ दुर्घटना हुई तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ऐसी साधारण घटनाएं होती रहती है, अगर मुख्यमंत्री की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो मुख्यमंत्री क्या कहते। दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया, सबकी आंखों में आंसू थे। पहली बार इतिहास में हुआ है हिमाचल के 2 मामले सीबीआई के पास गए, एक शासन का हत्याकांड के बाद माफिया के बाद हम रहे थे, आगे देखा मामले का प्रभाव क्या है, उन्होंने मामला उठाया था अवैध प्रकार का, हमने असेंबली में उठाया, रसोर में गार्ड लगा नौजवान 3 महीने की नौकरी की, बाल माफिया के खिलाफ काम करता था, उसे लिखा भी डायरेक्ट मुझे धमकियां मिल रही है, आत्महत्या का नया सिलसिला देखा, पुलिस ने स्टोरी बना ली कि उसने पहले जहर पी लिया, फिर नशे काट ली, फिर 20 फुट रक्त के ऊपर चढ़ा उल्टा लटक गया, फिर आत्महत्या हो गई। हमने कहा वन कांडों का मामला है, आत्महत्या की हत्या है, हम हाईकोर्ट ने सीबीआई को रेफर किया तो हिमाचल पुलिस ने कहा हाँ 4 वन कांडू पकड़े हैं। मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में शिमला ग्रामीण तारा देवी के पास 470 देवदार के वृक्ष कटे, हमने कहा कि वन माफिया ने काट लिया, नहीं नहीं हम जांच कर रहे हैं, जांच की और बाद में कहा वो देवदार था ही नहीं, वो तो झाड़ियां थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसका नोटिस दिया और 1,16,00,000 रुपए का जुर्माना लगा और सुल्तान पांडुओं की 470 देवदार की जगह 4,770 लगाओ 10 गुना, इससे बड़ा स्कूल कौन क्या होता है, बल माफिया, भूल माफिया, गलू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस लगा कि नशा पंजाब में कहां से आ रहा है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के एसएसपी ने एफिडेविट फाइल किया कि हिमाचल के पहाड़ों से आता है, मैं तो भाइयों यहाँ लोग आते थे बाहर से आध्यात्मिक शांति के लिए देव देव देवी उनका अपने दर्शन करके और शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पर जाते थे, आज नशा लेके जा रहे, देव भूमि ड्रग भूमि बन गई। इस सारे का हल यही है कि बच्चियों के साथ में विद्यार्थियों में महिला शक्ति के साथ जो अनाचार हो रहा है उसको दूर करना है, बाल माफिया, भूल माफिया, कर्म माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, कास्ट माफिया, कास्ट के शिकार नहीं आप में लोग बैठे, मैं जानता हूँ सबके रिश्तेदारों के साथ इतनी बात करो, मुख्यमंत्री के दफ्तर से जाली डीओ जारी होते रहे, इस सारी जड़ को, इस सारी बुराई की जड़ को समाप्त करना है तो 9 नवंबर को कमल का बटन दबाकर कांग्रेस को फाड़ दे। कोई बात हम तुम्हारे साथ हैं,
मुसलमानों के बीच स्कूलों बहनों ने मिलकर 50+ की बजाय 60+ कर दिया। वाओ, हम आज पढ़ रहे हैं कि 9 नवंबर को कमल का बटन दबाएंगे, कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और प्रदेश को फिर से विकास वो गंगा बहाएंगे जो पहले बहती नहीं। अब तो केंद्र में सरकार हमारी है, केंद्र की सरकार हमारी है, जय हिमाचल।